बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ तसव्वुफ तानील। हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन और ट्रांसलेशन स्किल्स के हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिन टॉपिक्स में आ जाता है कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन, जो कि इस बुक में जो है वो कम्प्रिहेंसिवली नहीं दिया होता। तो इसके नोट्स मैंने खुद बनाए थे और आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें हमने देखी थी कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन का, कल्चर डाइवर्सिटी की डेफिनेशन, और ऐसे सर्च चीज़ें हमने उसकी टाइप्स देखी थी, जो कि मैंने उसके नोट्स प्रोवाइड नहीं किए थे, उनके वो ज़रूरी नहीं लगे थे मुझे। और साथ में हमने कल्चर डाइवर्सिटी इन सिम्बॉलिक मीन देखा था। नंबर सेकंड जो हमने कवर टॉपिक कर लिया वो है कल्चर विजडम, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में शेयर कर दूँगी, उधर से मिल जाएगा। हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया। ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, ये तीन क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कवर हो चुके हैं। अब जो फर्स्ट है वो है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल, ये वाला जो टॉपिक है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में इसको देखेंगे। बेसिकली ये बहुत कम्प्रिहेंसिवली दिया गया है टॉपिक। सबसे पहले इसमें बताया हुआ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन बताई हुई है, फिर करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, फिर आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल्स की, एंड देन एंड में स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि जिससे जो है वो आप इरिडिकेट्स जो चैलेंजेस है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के, वो आप ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि चार चीज़ें आ जाती हैं इस टॉपिक में। ये जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्किल है, उसमें बेसिकली चार चीज़ें आ जाती हैं। एक इसकी डेफिनेशन, एक इसकी करैक्टरिस्टिक्स, एक इसके आ जाते हैं चैलेंजेस, एंड द फोर्थ वन इज चैलेंजेस। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे। बाकी रह गए यूटिलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज एक टॉपिक ये है, और ये कल्चर डिफरेंसेस थ्रू टैगलाइंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये इस बुक में नहीं दिया गया, तो इसके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब आप लोग ये नोट्स देख लें, और अगर आपको ये टॉपिक समझना भी हो तो आप जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको ये टॉपिक जो है वो समझा दूँगी। ये कल्चर डाइवर्सिटी के नोट्स आ गए हैं, और जो लिंक है वो पीडीएफ का मैंने नीचे शेयर कर दिया। ठीक है, अगर आपको ब्रीफली नोट्स चाहिए, यानी कि ये सारी आप लोगों ने कहा था आपको बुक चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको ब्रीफ नोट्स चाहिए, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करा दीजिएगा, उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।